Yesterday's very very good morning to all of you. I am Archana Jha from Star Plus Public School. Today I am going to teach you the 25th chapter, the Constitution of India. It is the second chapter of civics. Constitution of India. The Constitution of India is the supreme law of India. It lays down the framework defining fundamental political principles, establishing the structure, procedures, powers and duties of the government, and spells out the fundamental rights, directive principles and duties of the citizens. It was passed by the Constituent Assembly on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत, ये जो संविधान है वो होता क्या, ठीक है? सपोज दैट अगर आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं, कोई भी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी अगर गेम खेल रहे हैं, तो क्या विदाउट रूल के क्या कोई गेम खेलना पॉसिबल है? अगर कोई बिना विदाउट रूल के अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि क्या पूरे दिन में भी उस गेम का शॉर्ट आउट हो सके या कोई सॉल्यूशन निकले? तो अगर विदाउट रूल का अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, तो उसका कोई भी जो है सो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक उसी तरह भारत में जो गवर्नमेंट है, देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट बना, तो उस गवर्नमेंट जो है, जब गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक जो है लॉ की आवश्यकता होती है, ठीक है, कानून की आवश्यकता होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही नहीं, बल्कि किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जो होता है वो सुप्रीम लॉ कहलाता है, ठीक है। उस विदाउट कोई भी कानून का जो है वो देश नहीं चल सकता है, ठीक है। ये जो है, जो संविधान है वो एक ढांचा देता है और एक मौलिक जो है राजनीतिक सिद्धांत, जो स्ट्रक्चर, संरचना, शक्तियां और किसी सरकार के जो कर्तव्य है उनको, मौलिक कर्तव्य, मौलिक जो राइट्स, अधिकार है, ये सब जो है किसी भी नागरिक के जो कर्तव्य को दर्शाता है। ये संविधानिक सभा में जो है वो 26 नवंबर 1949 में आया था, पर इसका जो प्रभाव हुआ वो 26 जनवरी 1950, ठीक है, इफेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे। भारत जो है उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाता है। The Constitution declares India a sovereign socialist secular democratic republic, assuring its citizens justice, equality and liberty, and to promote among them all fraternity. The Constitution replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document, and the Dominion of India became the Republic of India. तो इस तरह जो है सो भारत 26 जनवरी वो एक गणतंत्र देश बन गया, ठीक है। और इस दिन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, संविधान के आधार पर भारत एक आजाद, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जहाँ पर सभी भारत के जितने भी नागरिक है उनको उचित न्याय, बराबर, समानता, आजादी, ये सब और भाईचारा सभी जो है यहाँ पर क्या हुआ, प्रमोट कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जो रिप्लेस गवर्नमेंट 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे ये रिप्लेस हो गया, और सरकारी जो दस्तावेज था, मौलिक सरकारी दस्तावेज, ये जो है वो रिप्लेस हो गया और ये भारत क्या हो गया, एक गणतंत्र राज देश बन गया। इट इज द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड, ओरिजिनली कंटेनिंग 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स फॉर ए टोटल ऑफ 117,639 वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये कहा गया है कि सबसे बड़ी जो संविधान है वो हमारे भारत में ही, ठीक है। हर देश में सबसे ज्यादा जो है संविधान भारत में, हर देश के कुछ न कुछ जो है वो समीक्षा करके भारत में संविधान बना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा
कुछ मतलब जो भी अच्छा लगा उसमें समीक्षा करके ये पार्ट बाय पार्ट जो है संविधान बनवाया गया था। और ये जो ओरिजिनली शुरुआत में जो है 395 धारा 22 भाग और 8 सूची के और 1,17,369 शब्दों में बना गया, और इंग्लिश में शुरुआत में बना गया, बाद में उसको दोनों भाषाओं में कन्वर्ट किया, इंग्लिश और हिंदी दोनों। अब जो है ये बहुत सारे संशोधन इसमें हो चुके हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अब ये जो है 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 सूची, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब संविधानिक सभा का निर्माण कैसे हुआ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सिलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1947। इट्स मेंबर्स सर्व्ड एज द नेशंस फर्स्ट पार्लियामेंट। एन आइडिया फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज प्रपोज इन 1934 बाय एम.एन. रॉय। इट बिकेम एन ऑफिशियल डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935। सी राजा गोपालाचारी वॉइस्ड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 15 नवंबर 1939 बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज एंड वॉज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश इन अगस्त 1940। अब ये संविधानिक सभा का जो निर्वाचित था वो किसके लिए हुआ था, भारत का संविधान बनाने के लिए, ठीक है। बाद में इसको जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1947 जो है सो ये मतलब मेंबरशिप पास हो गया, नेशंस फर्स्ट पार्लियामेंट बना इसके बाद, ठीक है। ये आइडिया जो है सबसे पहले जो है 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सबसे पहला एम.एन. रॉय के द्वारा ये प्रपोज किया गया था 1935। इट बिकेम एन ऑफिशियल, ये जो है एक ऑफिशियल डिमांड बन गया 1935 में। सी राजा गोपालाचारी भी 15 नवंबर 1939 में एक वैश्विक मताधिकार के आधार पर जो है ये डिमांड रखे कि एक स्टेट असेंबली होना चाहिए। बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त 1940 में ये एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16 मई 1946। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, ऑफ विच 292 वेर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, 93 प्रेजेंट द प्रिंसली स्टेट्स। अब कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में तो जानते हैं, इसको क्रिप्स मिशन भी कहा गया, 1946 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कैबिनेट मिशन प्लान बना था, ठीक है। इस प्लान के तहत जो है वो पहली बार जो है संविधानिक सभा का जो है इलेक्शन चुनाव हुआ, जो उसमें इंप्लीमेंट किया गया 1946 में। तो टोटल मेंबरशिप जो इसमें थे 389 में से 292 जो थे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के थे, और बाकी 93 जो थे 93 वो प्रिंसली स्टेट्स के थे, जो जो राजा महाराजा जो राजा उजा के जो रहते थे, जिनको कोई मतलब नहीं रहता था कि कैसा क्या है, वो लोग का अलग ही रहता था। जिसमें हमारे प्रिंसली स्टेट में एक जम्मू कश्मीर भी आते थे, ठीक है। तो ये राजा लोग का रहता था प्रिंसली स्टेट, जिससे कोई उनको कोई लेना देना नहीं रहता था। The elections for the 296 seats assigned to the British Indian provinces were completed by August 14, 1946. Congress won 208 seats and the Muslim League 73. After this election, the Muslim League refused to cooperate with the Congress. अब election इस 296 seats के elections में Congress को 208 seat मिले और Muslim League को 73. और इस इलेक्शंस के बाद जो है मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का साथ देना बंद कर दिया, ठीक है। उन वो लोग अब अपना अलग डिमांड करने लगे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ऑन 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू स्क्रैप द कैबिनेट मिशन प्लान दिस कैबिनेटेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड सेपरेट नेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उस समय 1947 थी, 3 जून 1947 में वहाँ के जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड एटली, ठीक है, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा और कहा कि ब्रिटिश सरकार को मुक्त कर देने के लिए, और वहाँ के जो लीडर्स है पॉलिटिकल लीडर्स को जो है वो वहाँ पर अपना सरकार चलाने देने के लिए। तो इस तरह जो उन्होंने जो है जब 3 जून 1947 में मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस का
जब उन्होंने जब 1946 में इलेक्शन आने के बाद जब इनकार कर दिया कांग्रेस का साथ देने का, तो इस मतलब इस आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर उन्होंने एक अपना अलग राष्ट्र बनाने का निर्णय कर लिया। ठीक है, उन्हें अब पाकिस्तान के रूप में एक नया देश चाहिए था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 December 1946, reassembling on 14th August 1947 as a sovereign body. As a result of the partition under the Mountbatten Plan, a separate Constituent Assembly of Pakistan was established on 3rd June 1947. अब इस तरह जो है संवैधानिक सभा जो है पहली बार जो है 9 December 1946 को बैठी थी। ठीक है, उसके बाद फिर से ये 14th August 1947 में बैठा गया था, लेकिन इसका जो ये माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है संवैधानिक सभा को जो पाकिस्तान का अलग जो है देश जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया था 3rd June 1947 में। ठीक, अब जो है वो कमिटी बनी। द कमिटी असेंबली अपॉइंटेड ए टोटल ऑफ 22 कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। आउट ऑफ दिस 8 वेयर मेजर कमिटीज एंड अदर वेयर माइनर कमिटीज। अब ये कमेटी असेंबली जो है अपॉइंट हुआ, 22 कमेटी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 22 कमेटी बनी, जिसमें से 8 जो है वो बहुत ही मुख्यतः बहुत मेजर कमिटीज थे और बाकी जो थे वो छोटा मोटा कमिटीज थे। ठीक है, जिसमें मेजर कमिटीज में थे ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, स्टेट्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये सब जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो बैठा था उसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यूनियन पावर के जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो ये थे, इसलिए जम्मू कश्मीर का जब पार्टीशन हुआ था उस समय वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह जो भी थे, देखिए रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी के जवाहरलाल नेहरू और स्टीयरिंग कमेटी के भी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस तरह 22 कमेटी हुई है, जिसमें से कितने मुख्यतः मेन थे, 8 मेन थे और बाकी जो थे वो माइनर कमिटीज थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज फर्स्ट चेयरमैन, टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट वॉज एस सी मुखर्जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला जो है अस्थायी चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष कंस्टिट्यूएंट यानी कि संवैधानिक सभा के पहले अस्थायी चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन ठीक 2 दिन बाद जो है वो जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी चेयरमैन बना दिया गया था, जिनके उप जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष जो थे वो एस सी मुखर्जी थे और जूरिस्ट पी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है मुख्य मतलब ओरिजिनल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये निर्माण के। टाइमलाइन अब देखिए कैसे फॉर्मेशन होता है। 6 December 1946 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अकॉर्डेंस विद फ्रेंच प्रैक्टिस। फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार यानी फ्रेंच का जो है कुछ जो संविधान के समीक्षा के बाद जो है 6 दिसंबर 1946 को जो है वो पहला संवैधानिक सभा जो है वो का निर्माण। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नाउ द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस जेबी कृपलानी, टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंटेड सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग जो हुआ था वो संवैधानिक सभा का, वो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो आज का सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट हाउस का, वहां पर ये मीटिंग हुआ था। ठीक है, जो पहले पर्सन जो एड्रेस करने वाले थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी रूप से अध्यक्ष के लिए, वो थे जेबी कृपलानी। आपको याद होगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, देन
जेबी कृपलानी, ठीक है, ये वही जेबी कृपलानी है जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के हस्बैंड, ठीक है, जेबी कृपलानी। ठीक 2 दिन बाद अब क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस चेयरमैन किनको नियुक्त किए जाते हैं, एस सी मुखर्जी, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर। तो पता ही बी एन राव को ही किया गया। 389 मेंबर्स इन टोटल विच डिक्लाइन 299 आफ्टर पार्टीशन। 389 जो मेंबर्स जो थे टोटल थे, जिसमें से 299 पार्टीशन करने के बाद मिला, ठीक है, मतलब उनको वोट मिला। 13 दिसंबर 1947 एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू laying down the underlying principles of the constitution which later became the preamble of the constitution। अब 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठ गया, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ठीक है, विच लेटर बिकेम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से इसको चलाया था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाद में जाके ये भारत का प्रस्तावना के रूप में जो है उभरा, ठीक है। उसके बाद 22 जुलाई 1947 में हमारे राष्ट्रीय झंडा जो है वो एडॉप्ट हुआ था, ठीक। उसके बाद 14 अगस्त 1947 ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द असेंबली ए प्रपोजल फॉर फॉर्मिंग वेरियस कमिटीज वर प्रेजेंटेड विच इंक्लूडेड ए कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, द यूनियन पावर्स एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। On 29 अगस्त 1947 the drafting committee was appointed with Dr. Ambedkar as the chairman along with 6 other members. Draft constitution was assembly on prepared by the committee and submitted to the assembly on 4 November 1947. अब 14 अगस्त 1947 को मीटिंग के दौरान क्या हुआ कि एक प्रपोजल रखा गया था कि ये इसमें जो है मौलिक अधिकार होना चाहिए, यूनियन पावर्स होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा और उनके 6 अदर जो सदस्य थे उनके द्वारा, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर हुआ और सबमिट हुआ 4 नवंबर 1947। अब 15 अगस्त 1947 को अचीव इंडिपेंडेंस, इंडिया स्प्लिट इनटू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को अब जो है भारत आजादी प्राप्त किया, लेकिन आजादी के साथ साथ 2 अलग देशों में बट गया, भारत और दूसरा पाकिस्तान। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंटेड विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द चेयरमैन आफ्टर 6 मेंबर्स ऑफ कमिटी वॉज मुंशी मोहम्मद शादुला अलाद कृष्णा स्वामी अय्यर जी एस अयंगर खैतान बी एन मित्तर टी कृष्णाचार्य रिप्लेस खैतान आफ्टर ही डेथ। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा काम ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वह अपॉइंट हुई थी, 6 मेंबर जो उनके साथ, अभी हाल ही में बताया कि 6 मेंबर उनके साथ थे, 7 मेंबर टोटल थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेके। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 मेंबर जो इस कमेटी में थे वो थे मुंशी मोहम्मद शादुल्ला अलाद कृष्णा स्वामी अयंगर जी एस अयंगर खैतान पी एन मित्तर। खैतान के भी तबीयत खराब हो गई, खैतान की मृत्यु के बाद उनके बदले टी कृष्णाचार्य उनके जगह पर आए और मित्तर की भी तबीयत खराब हो गई तो ये इंतजाम को लिया गया, ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हुई अडेप्टेड बाय द असेंबली, ठीक है। 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल साइंड एंड एक्सेप्टेड विथ 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स 22 पार्ट्स। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण राय जेदा इन ए फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल विद ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। ईच पेज वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। द 308 मेंबर्स ऑफ द असेंबली साइंड 2 हैंड रिटन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, वन ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन 24 जनवरी 1950। 2 डेज लेटर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम द लॉ फॉर ऑल इंडियन लैंड्स।
अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो अंतिम दिन का जो जो हुआ था मीटिंग हुआ था वो 395 आर्टिकल्स धारा 8 सूची और 22 भाग में जो था वो राम बिहारी सॉरी प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा की हैंड रिटन ठीक है लिखा गया था और सुंदर इटैलिक स्टाइल में कैलीग्राफी में लिखा गया था ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। और ईच पेज जो था डेकोरेटेड बाय शांति निकेतन, शांति निकेतन के जितने भी आर्ट शांति निकेतन बाई डॉक्टर ये रविन्द्रनाथ टैगोर के जो यहाँ पर शांति निकेतन में जितने भी आर्टिस्ट थे उनके द्वारा ये डेकोरेटेड किया गया था ठीक है। और 308 मेंबर्स के द्वारा टू हैंड रिटन कॉपीज के डॉक्यूमेंट पे साइन किया गया था, टू हैंड रिटन दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में थी और 308 मेंबर ने इन पर साइन किया था। दो दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय कानून में शामिल हो गया। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, इट टुक्स 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज एट ए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीस 6.4 मिलियन टू फिनिश और 64 लाख। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे भारत के एक फोर्स में आ गए और इनको लेने इनको प्राप्त करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा ठीक है। एक इसके जो टोटल खर्च हुए थे वो 64 लाख। जी बी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर एट मीटिंग द असेंबली ऑफ लोकसभा आफ्टर टर्निंग रिपब्लिक, ये गणतंत्र पाने के बाद जो लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे अध्यक्ष थे वो जी बी मावलंकर। In next part, I will teach the topic preamble of India. अगले पार्ट में मैं आपको भारत की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगी जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, किस तरह भारत की प्रस्तावना के जो है किस तरह हमारे भारत में किस तरह नए नए जो है सो किया ठीक है। Now that's all. Thank you.